और भाई क्या हाल चाल, सब मस्त। तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर 12 पैरेलल लाइंस का क्लास 6 का क्वेश्चन आंसर। ठीक है? नहीं यार, क्लास 6 का पैरेलल लाइंस चैप्टर नंबर 12 का क्वेश्चन आंसर। इससे पहले हम इसके कॉन्सेप्ट की वीडियो बना चुके हैं, अब आइए आज एक्सरसाइज 12 देखते हैं। इन द फिगर ऑफ ए टेबल गिवन बिलो नेम द पेयर्स ऑफ पैरेलल एज ऑफ द टॉप। टॉप के पैरेलल एज जो हैं उन सबका बताइए। पैरेलल तो ए और बी, सी और डी पैरेलल है, ए और डी, बी और सी पेयर बन गए, 1 2 3 4। नेम द ग्रुप ऑफ ऑल पॉसिबल पैरेलल एजेस ऑफ द बॉक्स व्हिच फिगर इज शोन बिलो। तो बताइए एजेस जो हैं यानी कि किनारे जो पैरेलल पैरेलल है उन सबका नाम लिखिए। तो जी एफ डी सी, डी जी एफ सी एक हो गया, ए जी ए एच डी ए, डी जी डी ए जी एच, ये ए बी और एच ई, फिर बी ई ए एच, सी बी ई एफ, सी एफ बी ई, इस तरह करके ये टोटल आपका एक से मेरे को लग रहा है 1 2 2 बन रहा है, तो ऐसे दो दो करके बन रहा है। तो आप ऐसे दो दो करके पेयर बना ले, एक इसके सामने ये है ऐसे करके, फिर इसके नीचे ये है ऐसे करके। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आइडेंटिफाई पैरेलल लाइन सेगमेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। लाइन सेगमेंट बताना है, ठीक है? पैरेलल जो है तो डी ई और बी सी पैरेलल सेगमेंट, इसमें इसमें डी सी और ए बी, फिर ए डी और बी सी, इसमें ए बी और डी सी पैरेलल है, ए डी और बी सी पैरेलल है, यहाँ पे आर क्यू एल एम एस एल क्यू पी पी एम आर एस पैरेलल है, इसमें ए बी और डी सी, डी सी और ई एफ ये दोनों पैरेलल है, और ए बी और ई एफ भी पैरेलल है। यहाँ पे फाइंड डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस एल एंड एम यूजिंग अ सेट स्क्वायर। सेट स्क्वायर मतलब क्या, आप सेट स्क्वायर ले लीजिएगा और ऐसे डिस्टेंस माप लीजिएगा, ये जो स्केल होता है इस तरह सेट स्क्वायर लेके इसका आप डिस्टेंस मापिएगा। ठीक है? तो सेट स्क्वायर आप कैसे कैसे ले सकते हो, सेट स्क्वायर ले लेना आप जैसे भी, बाकी बस डिस्टेंस से पूछा है, इस खास कोई क्वेश्चन में दम नहीं है। अभी देखिए इन द फिगर एल पैरेलल एम, एल एक लाइन है और एम एक लाइन है, ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। ए बी परपेंडिकुलर टू एल, ये ए बी है परपेंडिकुलर टू एल, ये 90 डिग्री एंगल बना रही होगी। ए बी इक्वल 2.3 सेंटीमीटर, मान लीजिए ए पी 2.3 सेंटीमीटर है तो सी डी की वैल्यू क्या होगी। जब एल और एम पैरेलल है तो ए बी इक्वल सी डी होगा, डिस्टेंस सेम होगा दोनों का, तो ए बी की 2.3 है तो डी सी का भी 2.3 ही होगा। ये सवाल कुछ इस तरह से है कि मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 5, जैसे हम जानते हैं पैरेलल की प्रॉपर्टी, एक एल है और एम है, तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस ऑलवेज सेम रहता है ताकि ये दोनों आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना कर पाए, सेम है। तो मान लीजिए इस लाइन की वैल्यू दिया 2.3 सेंटीमीटर, कितना दिया 2.3 सेंटीमीटर, ये लाइन ए बी है तो जो इधर वाली लाइन है ये भी इतना ही होगी और ये भी इतना होगी, क्योंकि पैरेलल है तो डिस्टेंस सेम है, तो डिस्टेंस सेम है यानी कि यहाँ का डिस्टेंस, यहाँ का डिस्टेंस, यहाँ का डिस्टेंस सब सेम होगा। तो ऐसे पैरेलल लाइन के चलते ए बी इक्वल डी सी होगा, तो ए बी 2.3 है तो डी सी भी 2.3 सेंटीमीटर ही होगा। इन द फिगर डू द सेगमेंट ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट, आर दे पैरेलल, गिव रीजन फॉर योर आंसर। अब मान लीजिए यहाँ पे ए बी और सी डी है, ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे या फिर ये पैरेलल है, तो आप रीजन दीजिए। देखिए ये सी डी है, सी डी, ये ए और बी, मतलब ये दोनों क्या पैरेलल है, तो हम पहले क्या करते हैं इसको प्रोड्यूस कर देते हैं आइदर डायरेक्शन में, तो भाई ये पैरेलल नहीं है बिकॉज देखिए इनको प्रोड्यूस करने पे किसी एक डायरेक्शन में ये जाके कहीं एक दूसरे को कट कर दे रहे हैं, इसका मतलब ये क्या है, पैरेलल नहीं है, क्योंकि इनको प्रोड्यूस करने के बाद कहीं ना कहीं ये किसी इन पॉइंट पे जाके इन दोनों के बीच में एक पॉइंट कॉमन आ जा रहा है, इसीलिए पैरेलल नहीं है। देखिए यूजिंग ए सेट स्क्वायर एंड रूलर, रूलर टेस्ट वेदर एल पैरेलल एम इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। मान लीजिए सेट स्क्वायर लीजिए ऐसे वाली चीज़ और टेस्ट एल पैरेलल एम इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस, तो यहाँ पर आपको देख के पता लग रहा है कि ये दोनों पैरेलल है, तो आप लेके नाप के आप चेक कर लीजिएगा ऐसे वाले कंपास से कितना सेंटीमीटर का लिख दीजिएगा, ओ सॉरी इसको रूलर बोलते हैं,
और फिर ये है, ये दोनों कहीं ना कहीं आप प्रोड्यूस ऐसे करिएगा तो ये दोनों आके इंटरसेक्ट कर देगा, तो ये नॉन पैरेलल है, ये पैरेलल है। देखिए ये अब ट्रू और फॉल्स है, इसे आप खुद से करिएगा अपना दिमाग लगा के। तो टू लाइंस आर पैरेलल इफ़ दे डू नॉट मीट इवन व्हेन प्रोड्यूस्ड, तो क्या ये ट्रू है? टू लाइंस आर पैरेलल, दो लाइन पैरेलल होंगी इफ़ दे डू नॉट मीट, वो नहीं मिलेंगी आप भले उसे कितना प्रोड्यूस करो, तो हाँ भाई ये ट्रू बात है क्योंकि वो दोनों इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। टू पैरेलल लाइंस आर एवरीवेयर द सेम डिस्टेंस अपार्ट, टू पैरेलल लाइन के बीच में जो डिस्टेंस होता है ऑलवेज सेम रहता है, तो हाँ तो ट्रू होगा। इफ़ टू लाइन सेगमेंट डू नॉट इंटरसेक्ट दे आर पैरेलल, मान लीजिए दो लाइन सेगमेंट है अगर ये दोनों एक दूसरे को कट नहीं कर रहे हैं तो क्या ये ऑलवेज पैरेलल होंगे? हाँ भाई, अगर एक ऐसे रहा और एक थोड़ा सा भी इसे टेढ़ा रहा तो कहीं ना कहीं जाके काट देगा, तो एकदम सीधा रहना चाहिए, तो ये भी ट्रू है। इफ़ टू रेज डू नॉट इंटरसेक्ट दे आर पैरेलल, ट्रू, मान लीजिए एक रे ऐसे है दूसरी रे ऐसे है, दोनों का बीच का गैप सेम, तो हाँ ये दोनों एक दूसरे को नहीं काटेंगे और ये पैरेलल हैं। इस तरह से ये पूरा एक्सरसाइज ख़त्म हो गया चैप्टर 12 का, और हम आप लोगों को कल चैप्टर नंबर 13 फिर से पढ़ाएंगे कॉन्सेप्ट के साथ। बाकी प्रीवियस वीडियोज़ आप देखते रहिएगा। धन्यवाद।